हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आईएएस प्लेटफॉर्म एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे थर्ड वीक ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिमाचल स्पेसिफिक सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन सो जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया के अंदर टू बिगिन दर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी ओके सो so, दालचीनी को हम लोग सिनेमैन भी कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूज़फुल है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस आल्सो और इससे जो है हम लोग और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे केक्स हो गए पाइस होगी एंड मेडिसिनल पर्पसेस के लिए तो होती होती है वेट लॉस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है तो रिसेंटली uh, हुआ ये है कि जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सिनेमन है दैट इज़ देयर फॉर कंजप्शन लोगों के लिए वो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिनेमन मिलती है कंजप्शन uh, के लिए जिसका काफी बुरा इफेक्ट देखा जाता है हेल्थ के ऊपर सो डिसीजन लिया गया बाय द सी एस आई आर सी एस आई आर इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है दे हैव टेकन दिस डिसीजन टू स्टार्ट द फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम कल्टिवेशन ऑफ ट्रू वराइटी ऑफ सिनेमन प्लांट जो है कंट्री के अंदर लगाया जाएगा और ये लगाया जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेसिफिकली जो जगह है दैट इज विलेज इन ऊना तो यहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू कर दिया गया है इसको बेसिकली uh, uh, किया जाएगा राइट सो सिनेमन जो है वो डेराइव कहाँ से होती है इट इज बाय बाई कासिया इट इज कॉमनली सोल्ड इन द मार्केट इस ये जो है कॉमनली सोल्ड मिलती है आमतौर पे इसको यूज किया जाता है केक्स और पाइस बनाने के लिए जो अभी पढ़ लिया और इसके मेडिसिनल पर्पसेस uh, के लिए भी इसको यूज किया जाता है ये भी हमने देख लिया राइट right? अब हम लोग जो है इम्पोर्ट करते हैं सिनेमन बट उसकी क्वालिटी इन्फीरियर होती है एंड वो जो इम्पोर्ट किया जाता है वो लगभग दिस नंबर ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटीन टन ऑफ सिनेमन दैट वी इम्पोर्ट एवरी टाइम फ्रॉम चाइना श्रीलंका वियतनाम इंडोनेशिया नेपाल राइट सो ये कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते रहते हैं और uh, रिसेंटली जो है दिस डिसीजन हैज़ बिन टेकन टू स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द सिनेम एंड कल्टिवेशन इन द स्टेट और इसको जो है इस जगह पे ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया गया है प्लांट करना राइट right? तो ये एक न्यूज़ थी आपके सामने मैंने मैं लेकर आया हूं अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वीवर सर्विसेज एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर जो है वो कुल्लू के अंदर लगा दिया गया है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया गया है इसमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं उनको भी एक एक्सपोजर मिले और उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पे बेच पाए इसका ये ऑब्जेक्टिव है राइट चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं एक छोटी सी न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट uh, है देख लेते हैं हॉकी हिमाचल स्टेट जूनियर चैम्पियनशिप सो इट इज़ अ हॉकी हिमाचल स्टेट जूनियर चैम्पियनशिप मेन्स कैटेगरी की बात करें ऊना तो ने ये चैंपियनशिप जीती है किसको हरा के सिरमौर को हरा के सो so, ऊना तो ने सिरमौर कोटेगरी so, जो कहां पे conclude हुआ चौगन ऑफ चंबा तो यहां पे इसको कंक्लूड किया गया तो so, इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है राइट right? नाउ एक रिसेंटली एक पैक्ट साइन हुआ है पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ है इट इज सतलुज जल विद्युत निगम एंड हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एच पी यू टेक्स इंस्टीट्यूट है उसने पैक्ट साइन किया है पैक्ट साइन किस लिए किया गया है बिकॉज बेसिकली uh, ये जो निगम है एस जे वी एन ये बेसिक बेसिकली फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करेगा उनको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर देगा एक तरीके से स्किल डेवलप करने की कोशिश करेगा बाय प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू दीज स्टूडेंट्स राइट इन स्टूडेंट इस एच पी यू टेक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ये इंडस्ट्री एक्सपोजर जो है वो दिया जाएगा राइट इट वॉज साइंड बाय दी पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है राइट right? अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि ये जो सतलुज जल विद्युत निगम है इट इज इनकॉर्पोरेट इन 1988, 1988 में इसको शुरू किया गया एज अ नाप्ता जाकरी पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तो आप लोग मुझे ये बताएंगे नाप्ता जाकरी क्या है इसके ऊपर कौन सा ये किस रिवर के ऊपर बना है आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे उसके बाद द कंपनी वॉज स्टैब्लिड एज अ अंट वेंचर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश राइट एंड टू एग्जीक्यूट द ऑपरेट एंड मेंटेन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ठीक है तो आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जाता हूँ आप आंसर दे दीजिएगा मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही आफ्टर दिस वीडियो दे दूंगा राइट right? ओके okay. तो सतलुज जल विद्युत हमने बात कर ली इट इज एस जे वी एन है राइट तो दीज आर द इपर्टेंट थिंग जो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं देखिए अटल टर्नल हमेशा न्यूज में रहते हैं जब भी हम लोग जम्मू कश्मीर का पेपर देखते हैं न्यूज़पेपर देखते हैं या हिमाचल की बात करते हैं तो अटल टनल इज ऑलवेज इन द न्यूज सो बेस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जो करंट इससे रिलेटेड चीज हुई है और इसका जो बैकग्राउंड है कब ये स्टार्ट हुआ क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये सारी चीजें हम लोग होलिस्टिकली इस पॉइंट के ऊपर कवर करेंगे राइट right? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है हैज स्टार्टेड चार्जिंग ग्रीन टैक्स क्या ग्रीन टैक्स जो है वो चार्ज करना शुरू कर दिया है दस सितंबर से चार्ज करना शुरू कर दिया है फ्रॉम द टूरिस्ट व्हीकल्स जो एंटर करेंगे अटल टर्नल एट रोहतांग पास राइट अब ये डिसीजन कैसे क्यों लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इट इज़ वेरी सिंपल जब ये अटल टर्नल को इनाग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनाग्रेशन किया और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म जो है काफ़ी लोगों का आना जाना होना शुरू हो गया उस अटल टनल के अंदर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने व्हीकल्स का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया सो नए नए चैलेंजेस जो है उसके रख रखाव के लिए अब गवर्नमेंट सरकारें फेस कर रही हैं उसके लिए फाइनेंस चाहिए उसके पैसा चाहिए तो वो फाइनेंस करने के लिए ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है ताकि वहाँ के आगे पीछे जो फ्रजाइल एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा Uh, थोड़ा सा भी आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं उसको प्रिजर्व करना इज द नीड ऑफ एन आर तो वही उसको वही चीज को एड्रेस करने के लिए फाइनेंस करने के लिए ये सारा जो है ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है करेक्ट सो so ये टैक्स कितना है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आप कभी जाएंगे तो शायद आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं यूल बी चार्ज फिफ्टी रुपीज अगर आप दो सौ आपको देने पड़ेंगे कार के तीन सौ आपको देने पड़ेंगे एस और एम के और आपको पाँच सौ देना पड़ेगा बस एंड ट्रक्स का राइट सो so ये चार्जेस हैं इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ जो व्हीकल लाहौल स्पीति की तरफ जा रहे हैं उनको उनको ये टैक्स नहीं लगेगा बल्कि और भी व्हीकल्स होंगे चाहे वो किश्तवाड़ में जा रहे हैं चाहे वो पांगी वैली में जा रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा राइट जो व्हीकल्स रेगुलर बेसिस पे जाते हैं है, है ना तो उनका पास वास बन जाएगा पास बनने के बाद दे आर फ्री फ्रॉम पेइंग द टैक्स एग्जेप्टेड हो जाएंगे वो लोग राइट right? तो ये सारा डिसीजन क्यों लिया गया इट इज जस्ट ऑन द डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टूरिस्ट अलॉन्ग विद मेकिंग श्योर कि वो जो इको है वो जो फ्रजाइल इकोसिस्टम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए ताकि वहां के जो गांव है

और जो रोहतांग पास है उसका जो वेस्ट साइड है ऑफ माउंटेन है वहां से ये शुरू होती है वो रीजन जगह कौन सी है सोलांग वैली से ये कनेक्ट करती है सीशु बाय 46 किलोमीटर का ये डिस्टेंस को ये कवर कर लेती है राइट सो so, ये सॉरी 46 किलोमीटर का ये डिस्टेंस को कम कर देती है राइट तो शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन सोलांग वैली सीशु वैली बाय 46 46 किलोमीटर और ये किलोमीटर कवर करने के लिए पहले कितना टाइम लगता था चार घंटे लगता था अब सोलांग से जाना है तो इट वुड हार्डली टेक द होल डिस्टेंस राइट तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली 9.02 पॉइंट किलोमीटर्स का टनल है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये सीसू सोलांग से वैली ये कनेक्ट करता है और वेस्ट ऑफ रोहतांग पास है इतना आप याद रखेंगे Now ultimately what exactly the significance of uh, building such a infrastructure, huge infrastructure? Number one point, all year connectivity. You, we are very clear that uh, पहले क्या रहता था, लद्दाख के साथ जो connectivity रहती थी, that was a seasonal connectivity, right? So अब जो है, अटल टर्नले ये एक बहुत बढ़िया एक uh, एक facilitate किया है कि now ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑल ईयर कनेक्टिविटी विद टू द लद्दाख रीजन रहेगा इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं इट हैज अ पोटेंशियल टू लिंक द लद्दाख टू मनाली एंड इवन चंडीगढ़ थ्रू आउट द ईयर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इवन दो ड्यूरिंग द विंटर्स ऑल्सो जब पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाता था सब और इसके अलावा देर इज अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑल्सो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कैसे है कि जैसे हमारी जो देश की सेनाएं हैं उनको पूरा एक दिन लग जाता था यहाँ से ये पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाने के लिए मतलब आ, हिमाचल से लद्दाख जाना है थ्रू दिस रूट तो इट वुड टेक हार्डली इट वुड टेक एंटायर डे बट नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमारा लद्दाख के ऊपर और बेटर मजबूती पकड़ होगी हो चुकी है और हम लोग बहुत ही मोबाइल मोबिलिटी ट्रूप्स की बहुत जल्दी हो जाती है राइट राइट डिप्लॉयमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी अवेल द बेसिक फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ को अवेल करना जैसे आपको पता है कि रेसिडेंट्स ऑफ लद्दाख जो थे लद्दाखीज जो थे उनको बड़ी दिक्कतें आती थी ड्यूरिंग विंटर सीजन आपको पता है पूरा कट डाउन हो जाता था तो बेसिक चीज़ें जैसे हेल्थ हो गया फूड सप्लाईज हो गया वो उनके पास नहीं पहुंच पाती थी अब क्या है अब कनेक्टिविटी है तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी फूड सप्लाइज एंड प्रॉपर टाइम टू टाइम डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो ओवर देयर और कई बार तो क्या होता था एसेंशियल्स जो होते थे कमोडिटीज जैसे वेजिटेबल पेट्रोल सप्लाईज वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर नहीं तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था फार्मर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट हुआ है फार्मर्स के लिए इसीलिए बेनिफिट हुआ है क्योंकि वो जो क्रॉप ग्रो करते थे वो बेसिकली लंबा चौड़ा रास्ता होने की वजह से सीजनल होने की वजह से उनके जो है कई बार पीज और पटेटोज जो वो ग्रो करते थे प्रीशियस क्रॉप होती थी वो सड़क में ही ट्रक के अंदर ही ख़त्म हो जाते थे ख़राब हो जाते थे राइट पेरिशेबल गुड्स होने की वजह से बट नाउ अब ऐसा कुछ नहीं है उनके यही जो कमोडिटीज़ हैं यही एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं अब वो मार्केट के अंदर सेल हो रही है एंड दे आर अर्निंग रिवॉर्ड ऑल्सो रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है इसके अलावा बूस्ट टू टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म को बूस्ट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अब ईयर लॉन्ग जो है वो टूरिस्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है सोलांग से सीसू वैली जा सकता है है ना तो इससे क्या है टूरिज्म को भी प्रमोशन मिल रही है टूरिस्ट भी जा रहा है और टूरिस्ट के साथ साथ जब टूरिस्ट जाता है तो वो सर्विसेज लेता है उस जगह की तो उससे क्या है उससे लद्दाखियों का अपना टूरिज्म जो है जब डेवलप होगा तो वहां पे आप खुद देखेंगे कि लद्दाखीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो वो सर्विस एक टूरिज्म इज अ सर्विस सर्विस अंडर अंडर कम्स द सेक्टर राइट तो वो वो चीजें एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है राइट right? तो ये भी आप याद रखेंगे सो so, हमने बात कर ली वी टॉक्ड अबाउट रिलेटेड टू अटल टर्नल रिसेंट इनिशियमेंट एंड वॉट आर दिग्निफिकॉर द्वाट एक्टली टूरिज्म स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर होल ऑफ नेशन राइट तो यह सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस राइज इन कांगड़ा सो कांगड़ा जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का वहां पर यह जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेज हैं इनफैक्ट ये सिर्फ कांगड़ा में नहीं बढ़े हैं ये ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे कोविड नाइन्टीन के टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस केसेज बढ़ गए थे राइट right? रिपोर्ट भी आई थी उस वजह से तो हम लोग इसको ओवरऑल पढ़ेंगे ठीक है कांगड़ा का रिसेंट इंसिडेंट हुआ है लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस किस वजह से होता है ये चीज़ जो है

कर दिया जाता है लोगों के द्वारा लेकिन कई बार क्या होता है इस रिपोर्ट करने तक और जस्टिस मिलने तक बहुत टाइम लग जाता है जैसे आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हमारे जुडिशल सिस्टम में ये एक सेट कोर्ट uh, है जो बिल्कुल सेट बैठता है बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं निर्भया केस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस होल थिंग आप मुझे ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कोर्ट जो है ये किसने दिया था है ना मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दूंगा तो द पॉइंट इज कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं और इनको रिपोर्ट कर दिया जाता है उस रिपोर्ट से लेके जस्टिस मिलने तक वो जो टाइम होता है वो टाइम निकालना एक फीमेल के लिए एक परिवार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो जो विक्टिम होता है वो बेचारा बड़ा ही परेशान हो जाता है जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलती और दिस इज व्हाट हैपेंड हेयर आल्सो कि ये जो डिले हो जाती है डिसाइडिंग द कोर्ट केसेस कि ये कौन गलत है कौन नहीं है पैंडेमिक के दौरान तो ये बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि की वजह से कोर्ट जो है आपको पता है नहीं बैठी ठीक है तो उसकी वजह से और मेजरेबल लाइफ जो है विक्टिम की हो जाती है एंड नो मीन ऑफ लाइवलीहुड जो है टू सस्टेन दमसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रेन ठीक है तो ये विक्टिम की जो लाइफ है और भी मेजरेबल हो जाती है नाउ ये समझ आ गया आपको अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस द वेरियस रीजंस फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया कौन-कौन से रीजंस हैं हमारे पास सबसे पहले स्टिल वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्कल माइंडसेट पेट्रियाकल एटीट्यूड अभी भी है हमारे में कैसे जैसे कि परसीव्स वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट अब देखिए मैं आपकी अपनी आपकी बात अपनी बात नहीं कर रहा हूं ओवरऑल इन जनरल मैं बात कर रहा हूं ठीक है कि अभी भी फीमेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है लो स्टेटस सोसाइटी के अंदर दिया जाता है और इसी पेट्रियाकल माइंडसेट की वजह से आगे जाके इंस्टिगेशन होती है इंस्टिगेट हो जाते हैं मेन टू टू स्टार्ट टू टू हैव दैट वायलेंट बिहेवियर अगेंस्ट फीमेल्स राइट तो ये भी आपने याद रखना है

डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट वॉज टू थाउजेंड फाइव की स्टडी है पब्लिश इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट दैट देर इज अ वेरी वेरी क्लियर कट रिलेशन बिटवीन डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस स्ट्रॉन्ग लिंक स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी सो जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का कारण देखा गया है वो डाउरी देखा गया है मेजरली केसेस के अंदर ठीक है इवन इफ डाउरी प्रोहबिशन एक्ट हैज लिमिटेड द इम्पैक्ट ऑन वॉयेंस रिलेटेड टू डाउरी मैनी केसेज ब्राइड बींग बर्न फॉर द डाउरी इज रिपोर्टेड ऐसा बहुत बार हुआ है कि फीमेल्स जो है उनको उन्होंने खुद को आग लगा ली है या कुछ कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को मतलब कि अपनी जान दे दी बिकॉज ऑफ दिस डाउरी सिस्टम इवन दो डाउरी एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा लिमिटेड केसेस हो अब देखे जा रहे हैं लेकिन स्टिल दे आर गुड इन नंबर्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल कल्चर सोशल कल्चर में फीमेल्स को बताया जाता है उनकी इमेज कैसी है दैट फीमेल्स आर टॉलरेंट एंड रिसेप्टिव ठीक है दे आर टॉलरेंट एंड रिसप्टिव ठीक है और इस वजह से क्या होता है उनकी इस इमेज को जब ग्लोरीफाई किया जाता है तो कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो हमेशा एक सबमिसिव की तरह बिहेव करती है कि ये मेरा काम है इट इज लाइक दिस वे ओनली ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा नेम इज पति व्रता नारी इज कंसिडर्ड आइडल इन द इंडियन सोसाइटी कि पति व्रता नारी जो है ये कंसिडर किया जाता है आइडल इन इंडियन सोसाइटी क्लियर चलिए अब नेक्स्ट हमारा है जेंडर इनक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रिसर्च uh, की गई एंड वहाँ पे ये देखा गया कि जहाँ पे जेंडर इनईक्वालिटी ज्यादा होती है वहाँ पे फीमेल्स को uh, जहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी ज़्यादा है वहाँ पे फीमेल्स को बेसिकली uh, वहाँ पे फीमेल्स के साथ वॉयलेंस ज़्यादा होता है केसेस ऑफ वायलेंस डर डिस्पैरिटी जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पे केसेस ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट दुमन आर मोर ठीक है सो ये जो जेंडर इनक्वालिटी है एंड जेंडर फेवरेटिजम है ठीक है कि मेल चाहिए फीमेल नहीं चाहिए ये अभी भी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और उसकी वजह से ये सारी चीजें वायलेंस अगेंस्ट द फीमेल जो है देखने को मिलता है राइट चलिए इसके अलावा ओके okay. नेक्स्ट इज लैक ऑफ सपोर्ट लैक ऑफ सपोर्ट ये मेजरली उनके साथ होता है जो अनएजुकेटेड फीमेल्स होती हैं अनएजुकेटेड फीमेल्स को तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है उनके मेटरनल फैमिली से बहुत ही कम मिलता है एंड देर फोर देर कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ देर इकोनॉमिक डिपेंडेंस अब अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं तो नौकरी करना uh, नौकरी करने में भी वो सक्षम नहीं होती इस वजह से उनको अब जिंदगी तो जीनी है पैसे तो दाल रोटी कपड़ा मकान ये सब तो चाहिए चाहिए और ये आता है पैसों की वजह से ठीक है सो इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है उनको जिंदगी भर जो है अपने हस्बैंड पे रहना पड़ता है और उससे दे हैव टू सफ़र अ लॉट ऑफ वायलेंस यू नो फेस लॉट ऑफ वायलेंस क्योंकि उनको मेटर्नल फैमिली से ऐसा कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता और ऐसा ही यही चलता रहता है बाकी ग्रुप्स के साथ भी मेजरली इसी ग्रुप के साथ ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो एब्सेंस ऑफ वाइबल ऑल्टरनेटिव ऑफ सर्वाइवल, ठीक है लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट वर्क ग्रुप ऑल्सो ऑल्सो फोर्सेज वुमेन टू कंटिन्यूइंग कंटिन्यूलटिंग वॉलेंट बिहेवियर अंडरस्टैंड ये याद रखिएगा ना लैक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देर ओन राइट एंड जनरल सोशल बिलीफ इन वुमेन्स सबोर्डिनेशन कि उनको नहीं पता कि मेरे पास क्या राइट है ठीक है उनको नहीं पता कि मेरे पास कौन कौन से राइट है मेरे एक्ट्स कौन से हैं और इसकी वजह से क्या होता है वो हमेशा एक लो सेल्फ स्टीम कैटेगरी के अंदर वो इंफीरियर स्टेटस कंसिडर करती हैं क्या हमारे साथ तो यही होना लिखा हुआ है इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें डिजिटल रेवोल्यूशन की इंडिया के अंदर जो डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है वो ज़्यादातर मेल्स के अंदर हो रहा है फीमेल्स के अंदर नहीं हो रहा फीमेल्स अभी भी इंटरनेट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है अगर ग्रामीण एरियाज़ की बात करें तो राइट तो वो उनके पास ना स्मार्टफोन्स है ना आ, आ, ना स्मार्टफोन्स है तो स्मार्टफोन्स नहीं है तो वो एक्सेस कैसे करेंगी वो सारी इंफॉर्मेशन वो सारी चीज़ों का तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने राइट्स के साथ भी वो वंचित है राइट्स उनको नहीं मिल पाते दे ऑलवेज थिंक एज अ लो सेल्फ एंड एंड स्टेटस राइट को बोला जाता है बताया जाता है दैट मैरिज इज द अल्टीमेट गोल शी हैज़ टू अचीव एंड जितना भी साइड में जो उनके दिमाग में चल रहा होता है करियर एवरीथिंग वो सारा फिर नीचे नीचे जाता रहता है और कोई अदर रीजंस की बात करें तो पॉवर्टी हो गया एक एक गरीब तबके की फीमेल जो है उसको ज़्यादा ये सब सफर करना पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस अल्कोहलिज्म यू नो ये जो कांगड़ा में हो रहा है वो अल्कोहलिज्म की वजह से हो रहा है इनफैक्ट इनफैक्ट वैसे बोला जाता है कि पंजाब बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा इशूज हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है

ठीक है सो ये सारी चीजें हैं ओके सो अल्टीमेटली एक लास्ट uh, न्यूज के साथ हम लोग uh, इस सेशन को खत्म करेंगे सिंपल न्यूज है नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हिमाचल बट हाँ ओवरऑल चाचा चौधरी जो है इज अ नमामि गंगे मैस्कॉट तो इनको जो है नमामि गंगे का मैस्कॉ बना दिया गया है आपको पता है ही इज आइकॉनिक सुपर हीरो ऑफ कॉमिक बुक सीरीज राइट तो आप इसको याद रख सकते हैं और uh, इसी सेशन के साथ मैं इसी न्यूज़ के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करता हूँ आपको कोई भी डाउट क्वेरी कोई भी आ, कोई भी सवाल है मैंने आपसे जो सवाल पूछे हैं उसका आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर आई विल बी राइटिंग डाउन द आंसर विद इन फ्यू आवर्स आप उसका आंसर लिख दीजिएगा ठीक है so सो आज की क्लास में इतना ही थैंक यू